Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular video, we will discuss the molecular orbital diagram of CO and NO, carbon monoxide and nitrous oxide, clear? तो उसके बारे में हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं CO के बारे में and फिर बाद में देखेंगे NO के बारे में. तो CO, अलग अलग एटम है, तो C का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या बनता है दोस्तों, तो वो बनता है 1s2, 2s2, 2p2 एंड O का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन बनता है 1s2, 2s2, 2p4. तो दोनों साइड अभी अलग अलग एटम लेने पड़ेंगे. अभी CO का टोटल करके देखिए, 8 प्लस 6 क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो सेटअप देयरफॉर वाला बनेगा. बट इधर एक खाली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों आपको, O या तो C को दोनों की P ऑर्बिटल सेम लाइन पे मत बताना, थोड़ा ऊपर नीचे बताना, क्योंकि एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए ये थोड़ा ऊपर नीचे, आप कहीं भी साइड ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा दिखा देना, सेम मत दिखाना, ठीक है, चलेगा ये. ओके, तो चलिए लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूं कार्बन एटम को एंड राइट साइड पे लिख रहा हूं ओ एटम को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको. देखिए 1s के अंदर 2, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 एंड 2p के अंदर 2, तो 2p के अंदर 2 भर दिए, 1s2, 2s2, 2p2, कार्बन को फिल कर दिया. ऑक्सीजन की बात करते हैं क्या होगा, तो 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 एंड 2p के अंदर 4, तो 1, 2, 3 एंड 4 हो गया. अभी भरिए, बहुत ही सिंपल है, यहां से एक, यहां 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 यहां, ये तो फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. अभी इसमें से ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. तो ये हो गया भाई CO का सेटअप. आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन लिखिए, क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 इज एंड सिग्मा 2pz2. बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 2, 4 बाय 2, तो 6 बाय 2, तो क्या बनेगा 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया. अगर CO प्लस करना है दोस्तों, अभी आपको आता है यार CO प्लस, तो CO प्लस करना है तो कोई भी एक साइड से इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे. चलो CO प्लस का सेटअप भी बता देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा CO प्लस, उसका भी सेटअप आप कर सकते हो. ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया. ओके, बात करते हैं NO की. तो NO में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन टोटल करिए कितना हो रहा है, तो आप देखिए तो ये 15 आ रहा है टोटल, मींस 14 से ज्यादा है, तो उसका सेटअप क्या आएगा, देयरफॉर बिकॉज ऑफ सेटअप आएगा एनर्जी, मैंने बता दिया है. इधर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p3 बनेगा, एंड ऑक्सीजन का क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p4. तो इस साइड में नाइट्रोजन एटम को लिख रहा हूं, इस साइड ऑक्सीजन एटम को, इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाने का, थोड़ा ये ऊपर दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, दिख रहा है. अभी 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 3, तो ये नाइट्रोजन के लिए मैंने 2p3 बता दिया. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p के अंदर 4, तो ये भी बता दिया. चलिए भरने लग गए, तो ये तो सारे फिल हो जाएंगे दोस्तों, हो गए कि नहीं यार, बहुत ही सिंपल है. यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. ठीक है, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक ऊपर जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक बना. समझ में आया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 सात इलेक्ट्रॉन है. समझ में आ गया. आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, बट इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 0, क्लियर. ओके, ऐसे लिख लेंगे. इसमें भी NO प्लस का सेटअप करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे यहां से, और इसको भी हटा देंगे, तो ये इसका सेटअप हो जाएगा. समझ रहे हो आप, क्लियर. ओके, अगर नहीं हटाना है तो यही इसका सेटअप रहेगा NO का. NO माइनस करना हो तो कुछ भी कर सकते हो, इसके ऊपर से आप बॉन्ड ऑर्डर भी ड्रॉ कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो. ओके दोस्तों, तो ये था आपने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्लियर. ओके, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आप इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, सारी चीजें आप लिख सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर योर लव एंड कंसर्न. थैंक यू सो मच.